जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न एक सौ पाँच श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का तीसवा बातसल्य मई पावन वर्षायोग दो हजार तेईस आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद कमरे भी उपलब्ध हैं स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें नाइन थ्री सेवन सिक्स फाइव सेवन वन डबल जीरो वन नाइन थ्री सेवन सिक्स फाइव सेवन वन डबल जीरो थ्री सेवन जीरो डबल वन जीरो वन फोर एट वन टू इस कार्यक्रम के पुण्यचक है कमला जैन धनपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी अनुज जैन पायल जैन अरहम जैन अनुष्का जैन अपूर्वा जैन कुसुम जैन श्री नरेश जैन श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट अनुराग जैन सरिता जैन कोसी कला मथुरा श्री अशोक कुमार जैन सौभाग्यवती नूतन डॉक्टर सलोनी निरंजन अरहन आराध्या मेहता गौतम प्राची, गर्व आदित्य महिमा आरत जैन तारदेव रोड मुंबई श्रीमती समता जैन सलिल जैन प्रीति जैन डॉक्टर ट्विंकल जैन अपूर्वी जैन प्रति घंटा कम से कम सत्तर लाख रुपया शस्त्र सैनिकों पे खर्च होता है लेकिन का संस्कारों पर विलुप्त हो गए संस्कार पहले हम आनंद मनाते थे वह आनंद देखने जाते हैं तो ध्यान रखना हमने सुख बड़ी बेरहमी से छोड़ रखा है सुख को तो दरवाजे के अंदर आने नहीं देते हैं देखना तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें आनंद नहीं होता है आनंद होता ही नहीं यदि एक कोई को तबीयत भी ठीक हो बोले अब तो थोड़ी बहुत ठीक है अरे थोड़ी बहुत ठीक है जितनी ठीक है उसका आनंद लो तुम्हें तो घर में यदि रो दो टाइम का खाना मिल रहा है बोले ठीक है अब तो चल रही दाल रोटी जैसे लोग कहते जीवन काट रहे हैं हमने कहा जीवन काटने को मिला गए पाप काटने को जीवन मिला गए जीवन को तो तुम क्या काटोगे जीवन तुम्हें काट ही रहा है सुबह हो शाम हो संत हो फकीर हो कोई भी हो श्वासें तो समाप्त हो रही हैं लेकिन इन श्वासों से हम स्वर्ग के महल बना रहे हैं या नरक की भट्टियाँ बना रही है, हमारे ऊपर है सब लोग कहते हैं कर्म बहुत दुष्ट हैं कर्म बहुत दुष्ट हैं हमने कि कर्म जितना ईमानदार कोई नहीं है कर्म एक ही का हिसाब कर लेते हैं तीर्थंकर भी यदि भूल से बन जाएं तो आदिनाथ से कहता हिसाब कर जाओ छः महीने तो ध्यान में रहे छः महीने तक आहार नहीं मिला क्योंकि भूल से बांधे गए कर्म भी कहते हैं कि हमें हिसाब करो पहले शादियाँ होती थी तो लोग महीना महीना भर बहन बेटियाँ आकर रुकती थी और बुआ चाची ताई मामा मा, मामी की बहुत लोग आकर रुकते थे कि उनके यहाँ शादी है तो काम तो होगा और महीनों रुकते थे बड़ी अच्छी अगवानी होती थी मंगल कलश लेके गीत गा के ऐसी अगवानी होती थी आजकल कितने दिन रुकते हैं गाड़ी में आइए गाड़ी से चले जाइए कागज़ पर आइए कागज़ पर खाइए मर्जी वो खाइए वरना भूखे चले जाइए आव नहीं आदर नहीं नैन नहीं सने तुलसी बह न जाइए कंचन से में वो क्या आनंद था जब आपको पता है दोनों भी ऐसे होते थे वो लुढ़कते रहते थे पत्तल के दोने होते थे और लुढ़कते रहते थे उन्हें तो एक जना हाथ से पकड़कर एक हाथ से खाता था वरना तो जल्दी से उसे रायते को पी जाते थे और उधर से रायता वाला आता था तो लोग पहले पी के निपटाते थे, थे कि दोबारा मिलेगा और आने वाला भी मना मना के कहता था एक और ले लो एक और ले लो और लोग बड़े मस्ती से मिलजुल के खाते थे आजकल तंदूर पे ऐसे खड़े रहते जैसे हो एक दे दे उसको दी मुझे नहीं दी हाथ धो गई अरे इज्जत भी तो कुछ तो रखो बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी खड़े होकर दो ही खाते हैं या तो भिकारी या फिर संत है एक उत्कृष्ट और एक निकृष्ट तुम कैसे खाते हो कम से कम बैठ कर तसल्ली से खाया करो जितने में आज एक पार्टी होती है आप समझ गए उतने में पूरी पंचायत का दस पंचायत निपट जाए पहले खाना भी ऐसा बनता था महीनों मिठाई चल जाती थी आजकल डोसा और क्या हाँ वो तो हमें पता नहीं पाव भाजी बताओ सड़ी गली चीजें पूरी ऐसी अरे ऐसी खा लो आप तो नहीं खाते होंगे लेकिन हम बता रहे डोसा जो तुम्हारे दिमाग को कर दे भूसा समझ गए अरे कितनी बूढ़ों वाली चीजें क्यों खाते हो अच्छे से खाओ जो खाना है तो तुलसी जी भी कहते हैं आओ आदर नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए कहते चार मिले चौसठ किले बीस रहे कर जोड़ सज्जन से सज्जन मिले हर से साठ करो दो के तुम्हारी दो के उनकी मिल जाएं बीस रहे कर जोड़ दस उंगलियां आपकी और दस सामने वाले की जुड़ जाना चाहिए और बत्तीस दांत आपके बत्तीस सामने वाले के चौसठ खिल जाना चाहिए और तीस करोड़ रोम तुम्हारे और तीस करोड़ रोम तुम उनके पुलकित हो जाना चाहिए आजकल हाथ में हाथ आता है कोई संवेदन नहीं रहा जिब्बिया स्वाद लेते लेते इतनी थक गई कि कुछ भी खिला लो अच्छा ही नहीं लगता कान सुनते सुनते इतने बहरे हो गए कि जब तक कान फोड़ साउंड नहीं चले तब तक सुना नहीं पड़ता आंखें देखती देखती इतनी रंगीन इतनी चमक दमक इतनी सोबाजी देख ली कि थोड़ी बहुत में तो मज़ा ही नहीं आता है किसी के यहाँ शादी में जाते हो तो सच बताना आकर क्या कहते हो यदि पचास आइटम हो सब मिला के तो क्या कहते हो कोई ख़ास शादी तो थी नहीं आप सोचो नार जीव हो क्या तुम इतना खाना ही खाना देखते हो उसके यहाँ दो सौ ढाई सौ चीज़ नहीं हो तब तो तक तो मैं मन ही नहीं भरता कोई ख़ास इंतजाम नहीं था ख़ास इंतजाम क्या नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर हम समाज में इतनी विषमता लाते कहते हैं हमारे जैन समाज आदर्श है उत्तम आकिंचन धर्म की माला से कुछ नहीं होगा इस मन में समाज में उसूल बनाओ कि हमारे यहाँ 25 आइटम से ज़्यादा उसमें पानी चटनी नमक सब कुछ है आप नई कुवत पैदा करो कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही उसूल है इसके ज़्यादा नहीं हर गरीब अमीर की खाई पूरी नहीं होगी तो समाज का क्या उद्देश्य रहेगा तो आपको पता है आजकल तो फिर पाँच दिन बारात रुकने लगी चार दिन रुकने लगी तीन दिन तक का तो मुझे भी ख्याल है हम छोटे थे तो घर में देखते थे तीन दिन तक बारात शाम तक ही जाती थी सुबह सुबह आकर या एक दिन पहले आ जाती थी तो तीसरे दिन या चौथे दिन ही जाती थी बारात इतने अच्छे नेंग होते थे मज़ा आता तो लोग सब सिंपल थे कहीं धर्मशाला में ठहरा दो ठहर जाते थे बड़े अच्छे इंतजाम लगते थे उस समय के छोटी सी जगह में सब दुकानें काउं आप सबको पता है वो लेकिन एक बार की बात आजकल तो एक दिन आओ उसी दिन आओ गाड़ी से आओ गाड़ी से चले जाओ घर तक दहरी तक आने की ज़रूरत ही नहीं कोई को तो एक मेहमान आया सब चले गए मेहमान तो बहुत आए थे सब चले गए एक तो रुका ही रहा तो पत्नी बोली देखो जी ये पंद्रह दिन से रुका है पति बोला मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ वो दमान है घर का और दमान उसे कहते हैं कि दम से आखिरी दम तक उसको आमदनी और दमांध कहते हैं दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे उसे दमान कहते हैं उसे जमाई कहते हैं जमा जमा के कमाई करो फिर उसे इकट्ठी दे दो उसे जमाई कहते हैं तो बोला नहीं कह सकते इंटरनेशनल भिखारी पहले दिन रोकना करो उस दिन भी उसे कुछ दो फिर तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो उसकी मिलनी करो उसके यहाँ हो तो भात लेके जाओ सड़क पर मिल जाए तो कुछ पैसे तो उसके हाथ पर रख ही दो तो वो दमान कहते हैं अब वो बोला कुछ नहीं कह सकते पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा बोले क्या कर सकते कुछ नहीं कर सकते बोली मैं बताती हूँ पत्नी का दिमाग ऐसी चीज़ों में बहुत चलता है अच्छा भी चलता है ऐसी बात नहीं कई जगह तो जितनी जितने पति मंदिर आते हैं सब इनके धक्के से आते हैं तो वो कहने लगी मैं बताती हूँ पति ने कहा क्या कहते हैं ये बोली सुबह में खाना नहीं बनाऊँगी बोले फिर तो बोले तुम मुझे उठाना फिर मैं बहस लगाऊँगी बोलूँगी नहीं मेरा सिर दुखता है फिर तुम कहना दुखने दो मेहमान है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा फिर मैं बोलूँगी नहीं बनाऊँगी तुम बोलना बनाना पड़ेगा मैं बोलूँगी नहीं तो तुम मुझे कहना पीट दूँगा लेकिन मुझे पीट मत देना एक डंडा लेना और पलंग के पाए में मारना बोले ठीक है बोले उसके बाद में गुस्सा करूँगी फिर चला जाएगा बोले ठीक है सुबह उठ बोले उठ बोले नहीं उठती बोले क्यों नहीं उठती बोले सिर दुखता बोले मेहमान आए तो कुछ तो बनाएगी बोले नहीं बनाऊंगी बोले बनाएगी कि नहीं बोले नहीं बनाऊंगी बोले बनाना पड़ेगा बोले नहीं बनाऊंगी पति ने, ने कहा ज़्यादा बहस लगाएगी पीट दूंगी पति ने कहा ज़्यादा बहस लगाएगी तो पीट दूंगा बोले हिम्मत तो पीट के दिखाओ पति ने वही आइडिया जो बताया था उसने लिया डंडा और पीटने लगा पत्नी बोली अहमान मेहमान पंद्रह दिन से यहीं पड़े मेरे घर में कलेस करा रहे मुझे गुस्सा आएगा तो इन्हें पीट के रख दूँगी ये अपने घर नहीं जाते मेरे घर में लड़ाई मचा रखी मेहमान ने सोचा ये तो औरत है पता नहीं और है जो कर दे तो मेहमान ने उठाया अपना सूट के सो धीरे धीरे जीना उतरने लगा पत्नी जल्दी में बोली देखो मैं रोई तो नहीं ना पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं ना मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं ना हाँ ध्यान रखना ये कर्म रूपी मेहमान भी कहता है की तू जाने वाला मैं भी नहीं हूँ क्योंकि तूने अंदर से तो इंतजाम दुख कई किया सुख कहां से आएगा हर तरफ से दुख मिल जाए जिससे मिले उससे तुम जरा कोई सौ बार आपकी सेवा करे एक बार नहीं करे मेरा तो दिल फट गया सच बताना यदि दो बेटे हों और माँ पहले वाले को पच्चीस तोले चढ़ा दे और दूसरे को पचास तोले चढ़ा दे तो ये नहीं भाव आता कि उस समय जी पे था नहीं जितना दे दिया बहुत है क्या करना वो भी तो उन्होंने अपनी कमाई से पेट काट के दिया है क्या मतलब है बहुत है पहनने में तो फिर भी नहीं आता लेकिन क्या कहोगी ये ऐसी बेकार है उसने तो मेरे साथ बेईमानी कर ली मुझे पच्चीस तोला उससे पचास तोला पहले हिस्सा करो अरे बिल्कुल भाव मत लाना इस जहाँ का इस जहाँ पर सब धरा रह जाएगा और ये अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा वो भाव लाओ कि कब धन्य सुअवसर पाऊँ जब तुम जैसा बन जाओ भाव लाया करो भाव बदलो आज परिवर्तन हो जाएगा और आपका समय हो गया समय देखिए समय रोज बदलता है मौत के पास पहुंचते जाते हैं आज आप लोगों को यही सोचना है कि हम कितना तन मन धन द्रव्य काल भाव कितना अपने लिए दे रहे हैं कितना दूसरों के लिए दे रहे हैं तो आप सब अपने आप के लिए जिए क्योंकि कहते हैं आयु आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया बचपन संग बीता कुछ यौवन संग रीत गया अंग अंग शिथिल हुए अंग अंग शिथिल हुए प्रभु पर न दृष्टि गई भव भ्रमण हेतु तू फिर से तैयार हुआ भव भ्रमण हेतु फिर तू तैयार हुआ हम हाँ भ्रमण दुख की योजनाएं बना रहे हैं। दुख का सामान जुटा रहे हैं। दुख की सारा प्रयास कर रहे हैं तो आप सब सुख का प्रयास करें मेरा यही सुबह आशीर्वाद दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है सृष्टि मंगलम सेवा समिति बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी अकाउंट नंबर जीरो डबल वन नाइन आई कोड बी ए आर बी जीरो एस एच आर आई एम ए आई कोड का पांचवा कैरेक्टर जीरो है पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर जीरो टू वन टू ट्रिपल जीरो वन जीरो डबल वन डबल सेवन टू डबल सेवन आई एफ एस सी पी यू एन बी डबल जीरो टू वन टू डबल जीरो आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं ट्वेल्व ए के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, सेवन सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न एक सौ पांच श्री सृष्टिभूषण माता जी जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौ आश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है इसमें अभी करीब 400 सौ गाय है जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौ को जीवन दान आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार एक पाँच सात या ग्यारह या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र एक सौ पचहत्तर रूपए ग्यारह हजार रूपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यो ऐसी जुड़ सकते हैं परम शिरोमणि संरक्षक पांच लाख ग्यारह हजार रूपए शिरोमणि संरक्षक तीन लाख ग्यारह हजार रूपए संरक्षक दो लाख ग्यारह हजार रूपए विशिष्ट सदस्यता इक्यावन हजार रूपए सदस्यता इक्कीस हजार रूपए दस वर्ष चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा गाय जीवन यापन को दूध पर्यावरण को गोबर देती है जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा गौमूत्र से औषधि देती है खेती को बैल देती है हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है गौशाला आरिका सृष्टि भूषण माता के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोटग्रस्त गायों का उपचार साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य ऐसी रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है जिसमे आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्याार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें देर न करें आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यो ऐसी जानकारी हेतु संपर्क करें नाइन थ्री सेवन सिक्स मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर जीरो टू वन टू जीरो 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 वन जीरो डबल वन डबल सेवन टू डबल सेवन आई कोड पी यू एन बी डबल जीरो टू वन टू डबल जीरो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर जीरो डबल वन नाइन जीरो वन ट्रिपल थ्री थ्री टू फोर टू नाइन आई एफ एस सी कोड बी ए आर बी जीरो एस एच आर आई एम ए जीवन में एक बार मात्र इक्कीस हजार रूपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें